हाँ दोस्तों, वेल ये तो आप जानते हैं कि आज की जनरेशन, आज के युवा वर्ग के लोगों में, यानी कि यंगस्टर्स, फिल्मों से थोड़ी दूरी बनाई दिखाई देते हैं, लेकिन उनको वेब सीरीज को लेकर हमेशा क्रेज देखा जाता है। जी हाँ, जैसा कि आपको आज अपने इस खास रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं वेब सीरीज गंदी बात 4 के बारे में। जी हाँ, जहाँ वेब सीरीज गंदी बात के तीनों पार्ट काफी ज्यादा हिट और पॉपुलर रहे, तो गंदी बात सीजन 4 के प्रोमो को भी काफी ज्यादा पॉजिटिव रिएक्ट मिल रहे हैं। दर्शक इस प्रोमो को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आज अपने इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार गंदी बात सीजन 4 के लीड स्टार ने क्या कुछ राज इस फिल्म से रिलेटेड खोले हैं, जो आप सभी के लिए बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ध्यान से सुनिए और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कॉम्प्लीमेंट्स तो अभी तक अच्छे ही आ रहे हैं, सब बहुत पहले एक्चुअली सबने सीजन 1, 2, 3 फॉलो किया हुआ है, तो ऑब्वियसली सीजन 4 के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों की। लोग देखना चाहते हैं कि सीजन 4 में क्या है, तो आज स्ट्रीम हो जाएगा तो आज से देख पाएंगे। मुझे भी अच्छे ही कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, और ट्रेलर लॉन्च पे ही, इनफैक्ट ट्रेलर जब आया था तभी स्टार्ट ही हुआ था ट्रेंडिंग एट 2 एंड इट केम ऑन फर्स्ट, सो आई वॉज ऑल द मोर एक्साइटेड। मतलब अभी तो ट्रेलर आया है, सो जब पूरी पिक्चर आएगी तो कितना मजा आएगा। सो या आई रियली लाइक इट। ओके, गंदी बात सीजन 1, 2, 3 का अलग ही स्टोरी रहा है, सो इस बार क्या कुछ स्टोरी होने वाला है, ये थोड़ा अगर ब्रीफ में बता सके तो जानना चाहूंगी। आप बताना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक रही फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन और थर्ड सीजन की, और इससे अलग कैसे है, तो मेरे हिसाब से इस बार शायद इन स्टोरीज में ज़्यादा फोकस किया गया है एक लेसन की तरफ। मतलब हर स्टोरी के एंड में एक लेसन है, जैसे कि इनकी स्टोरी में भी कुछ है। मैंने अभी तक मेरा मतलब देखे नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकता कि बाकी में क्या लेसन है, बट हमारी जो स्टोरी थी अपना कामा विलेज वाली, उसमें है कि हमें लेडीज़ को भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितना कि हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं, कि एक आदमी को जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए औरत की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। औरत पे जो एक मर्द गांव में जो जुल्म टाइप जो करते हैं, तो उनको ये रियलाइज़ होता इस स्टोरी के थ्रू, अगर उन पे सेम चीज़ें अप्लाई की जाए तो उन्हें कैसा फील होगा, ये चीज़ रिफ्लेक्ट की गई है। आई थिंक मैं स्टोरी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, अगर आप मैं बता दूँगी तो आप लोग सीरीज नहीं देखोगे और हमारे नंबर्स वहाँ से नहीं आएंगे। लेसन शेयर हो सकता है। पर आई थिंक लेसन्स प्रिटी मच, मैंने कल ही सारे एपिसोड्स देखे और प्रिटी मच इट्स द सेम लेसन जो हर एक उसमें समझाया गया है। अभी बहुत ज़्यादा आपने सुना है कि बहुत रेप हो रहे हैं, बहुत अत्याचार हो रहा है लड़कियों पे, औरतों पे, दे आर नॉट सेफ एनीवेयर। सो मेरे एपिसोड में भी आई थिंक वही था कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अत्याचार होता है एंड शी फाइनली कम्स अप। So in the starting of the series, I am, you can say, a protagonist and then I become the antagonist. But because मुझे बहुत कुछ overcome करना है, मुझे as a winner सामने आना है. So I think that's why it has all happened. Perfect. It's all about women empowerment. आप दोनों के character के बारे में जानना चाहूँगी कि किस तरह के role play कर रहे हैं. किया है. हाँ यार. तो मेरा जो character है वो है गुड्डू का। गुड्डू बेसिकली पहलवान है गांव का और थोड़ा डोमिनेटिंग है, तो थ्रू आउट मेरे कैरेक्टर को मैंने वैसा ही पोर्ट्रे किया है कि डोमिनेटिंग है। हालांकि जो हमारी स्टोरी का कंटेंट है वो मोर टुवर्ड्स कॉमेडी था, बट हाँ मेरा जो कैरेक्टर है मैंने उसके साथ पूरी कोशिश की है कि जस्टिस करूँ, बाकी व्यूअर्स डिसाइड करेंगे कि जस्टिस हुआ या नहीं हुआ। सो मेरे नाम पे मत जाना क्योंकि मेरा नाम है कमलेश बट मैं लड़की हूँ। सो मेरा कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इनफैक्ट व्हेन दे केम अप विद दिस स्टोरी आई वाज एक्चुअली एक्साइटेड बिकॉज देयर वाज अ लॉट फॉर मी टू प्ले एज एन एक्टर एंड देयर वाज अ वेरियस ग्राफ टू माय होल स्टोरी, सो आई वाज रियली एक्साइटेड। मैं पहले बहुत इनोसेंट हूँ एंड देन स्लोली बिल्डअप होके मुझे एकदम साइको दिखाया है, सो दैट वाज समथिंग दैट रियली एक्साइटेड मी एंड आई वाज लाइक यस आई एम डूइंग दिस स्टोरी। कितना प्रेशर था जब 1, 2, 3 सीजन हिट हो चुके हैं और इस सीजन में काम करने के लिए?
ऑब्वियसली प्रेशर तो है ही, क्योंकि सीज़न वन बहुत हिट था, सीज़न टू के भी अच्छे रिव्यूज थे, सीज़न थ्री हिट था, तो प्रेशर तो ऑब्वियसली था ही हमारे ऊपर। ऊपर से कैसा है मेरे लिए, गंदी बात, पहली बार मैंने मतलब कुछ अपनी लीग से हट के किया, तो मेरे पे मेरा पर्सनल प्रेशर ज़्यादा था कि कैसे होगा। क्यों, क्या होता है ना, एक बहुत थिन सी लाइन होती है वल्गैरिटी में और सेंसुअलिटी में, वो कहीं ऊपर नीचे हो जाती ना तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस था, बट वो बहुत स्मूथली गया। हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, बहुत स्मूथली उसने सीन निकाल दिया। आकांक्षा अगर तू सुन रही हो तो लव यू फॉर दैट। हाँ, मेरा भी आई थिंक सेम वही प्रेशर था, बिकॉज इसके पहले मैं सिर्फ टीवी कर रही थी और टीवी में ऐसा कुछ होता नहीं है, एंड आई वाज टेकिंग अ बिग लीप फ्रॉम टीवी टू मूवीज एंड टू डिजिटल, एंड आई हैड टू प्रिपेयर माय सेल्फ मेंटली कि दैट। कॉम्प्लीमेंट्स तो अभी तक अच्छे ही आ रहे हैं, सब बहुत पहले एक्चुअली सबने सीजन वन टू थ्री फॉलो किया हुआ है, तो ऑब्वियसली सीजन फोर के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों की, लोग देखना चाहते हैं कि सीजन फोर में क्या है, तो आज स्ट्रीम हो जाएगा तो आज से देख पाएंगे। मुझे अभी तक तो मुझे भी अच्छे ही कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, और ट्रेलर लॉन्च पे ही, इनफैक्ट ट्रेलर जब आया था तभी स्टार्ट ही हुआ था ट्रेंडिंग एट टू, एंड इट केम ऑन फर्स्ट, सो आई वॉज ऑल द मोर एक्साइटेड, मतलब अभी तो ट्रेलर आया है, सो जब पूरी पिक्चर आएगी तो कितना मजा आएगा, सो या आई रियली लाइक इट। आप बताना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक रही फर्स्ट सीजन, सेकेंड सीजन और थर्ड सीजन की, और इससे अलग कैसे है, तो मेरे हिसाब से इस बार शायद इन स्टोरीज में ज़्यादा फोकस किया गया है एक लेसन की तरफ, मतलब हर स्टोरी के एंड में एक लेसन है, जैसे कि इनकी स्टोरी में भी कुछ है, मैंने अभी तक मेरा मतलब देखे नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता कि बाकियों में क्या लेसन है, बट हमारी जो स्टोरी थी अपना कामा विलेज वाली, उसमें है कि हमें लेडीज़ को भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितना कि हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं, कि एक आदमी को जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए औरत की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। औरत पे जो एक मर्द गांव में जो जुल्म टाइप जो करते हैं, तो उनको ये रियलाइज़ होता इस स्टोरी के थ्रू, अगर उन पे सेम चीज़ें अप्लाई की जाए तो उन्हें कैसा फील होगा, ये चीज़ रिफ्लेक्ट की गई है। आई थिंक मैं स्टोरी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, अगर आप मैं बता दूँगी तो आप लोग सीरीज नहीं देखोगे और हमारे नंबर्स वहाँ से नहीं आएंगे। लेसन शेयर हो सकता है। लेसन, हाँ, पर आई थिंक लेसन्स प्रिटी मच मैंने कल ही सारे एपिसोड्स देखे, और प्रिटी मच इट्स द सेम लेसन जो हर एक उसमें समझाया गया है। अभी बहुत ज़्यादा आपने सुना है कि बहुत रेप हो रहे हैं, बहुत अत्याचार हो रहा है लड़कियों पे, औरतों पे, दे आर नॉट सेफ एनी वेयर। सो मेरे एपिसोड में भी आई थिंक वही था कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अत्याचार होता है, एंड शी फाइनली कम्स अप। So in the starting of the series, I am, you can say, a protagonist, and then I become the antagonist. But because मुझे बहुत कुछ overcome करना है, मुझे as a winner सामने आना है. So I think that's why it has all happened. Hmm. It's all about women empowerment. आप दोनों के character के बारे में जानना चाहूँगी कि किस तरह के role play कर रहे हैं. किया है. हाँ, तो मेरा जो character है वो है गुड्डू का. गुड्डू बेसिकली पहलवान है गांव का और थोड़ा डोमिनेटिंग है, तो थ्रू आउट मेरे कैरेक्टर को मैंने वैसा ही पोर्ट्रे किया है कि डोमिनेटिंग है, हालांकि जो हमारी स्टोरी का कंटेंट है वो मोर टुवर्ड्स कॉमेडी था, बट हाँ मेरा जो कैरेक्टर है मैंने उसके साथ पूरी कोशिश की है कि जस्टिस करूँ, बाकी व्यूअर्स डिसाइड करेंगे कि जस्टिस हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट टू नाइन लाइव डेस्क से इंदु की रिपोर्ट।